जिला प्रशासन की लापरवाही से भू माफियाओं के लगातार जारी अवैध निर्माण नोटिस पर लगातार नोटिस के बाद भी हो रहे अतिक्रमण और कब्जे। शहर गुना में अवैध तलघर नजूल भूमि पर तन गए कॉम्प्लेक्स। भाजपा के मुख्यमंत्री के निर्देश हवा में, अवैध निर्माण हटाने को लेकर अधिकारी मन मर्जी पर उतारू। कहावत है बिल्ली का भाग्य से छींका टूटा वाली कहावत गुना के कॉलोनाइजर और अवैध कब्जाधारियों के साथ ही नजूल आबादीय भूमि पर मार्केट बनाने वालों की चांदी ही चांदी कर रही है, वो भी प्रशासनिक कर्मियों की व्यापक मेलजोल से। जी हाँ, हम नहीं कह रहे ये सब जिला प्रशासन की चल रही कागजी कार्रवाई खुद ब खुद बयां कर रही है। दरअसल पिछले कई वर्षों से सरकार के लगातार निर्देश है कि भूमाफिया कॉलोनाइजर प्रमोटर अवैध कब्जाधारियों के साथ ही शासकीय जमीन पर निर्माण को लेकर जिले के कलेक्टरों को इस पर कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उक्त कार्यकाल में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर व्यापक अमला पर अमल नहीं हुआ और नतीजन इस कृत्य करने वाले प्रशासन के कर्मियों से सांठगांठ कर बेशकीमती जमीनों पर कब्जा और अवैध निर्माण कर कॉलोनियों को काट कर धोखाधड़ी की गई है। मामला आपको बताते हैं, विवादित टाट के मार्केट नजूल आवासीय भूमि पर 6000 स्क्वायर फीट से ज्यादा निर्माण, शहर के बीचों बीच सुगंध चौराहे पर स्थित टाट के मार्केट का नव निर्माण को लेकर 2019 में पूर्व जिला कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार के समय इस मार्केट के निर्माण की शिकायत हुई थी कि नजूल आवासीय भूमि पर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है, इसके वैध परमिशन पर सवाल खड़े करते हुए 6000 स्क्वायर फीट लगभग अवैध निर्माण कराया गया था। वहीं तत्कालीन कलेक्टर ने उस समय एसडीएम शिवानी रायकवार को इसकी जांच के आदेश दिए। इसमें तत्कालीन सीओ सिटी तहसीलदार सोनू गुप्ता ने जांच में पाया कि उक्त मार्केट में मौके पर दस्तावेज नहीं दिखाए गए, ली गई परमिशन के लगभग 6000 स्क्वायर फीट से ज्यादा परमिशन के निर्माण के साथ आपत्ति लेते हुए नोटिस जारी किया गया। वह इस कॉम्प्लेक्स की अनुमति मामले में फाइल गुम हो जाने के चलते तत्समय के कर्मियों और मार्केट के अमित ताटके के खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए, लेकिन अब ये कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ा है। मामला है अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में कुएं शासकीय गली पर कब्जा और परमिशन से अधिक का निर्माण तत्कालीन प्रशासन के अधिकारी को 17-18 में एक जनहित में शिकायत कर अनुराधा गली और हनुमान गली के बीच शासकीय गली कुएं पर कब्जा कर नजूल आवासीय भूमि पर कब्जा कर निर्माण के कॉम्प्लेक्स के निर्माण की शिकायत कलेक्टर को की गई थी। सूत्र बताते हैं कि शिकायत में गली और कुएं के साथ उस जगह पर धर्मशाला होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। तत्कालीन कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार के दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए SDM और तहसीलदार को मौके पर भेजा। मौके पर अधिकारियों ने निर्माण की परमिशन और जमीन की मालिकी के कागजात तलब किए तो पाया गया कि जमीन में नियम विरुद्ध निर्माण रहा है। इस जगह कॉम्प्लेक्स निर्मित है, उसमें तीन पार्टनर है। जमीन पर कॉम्प्लेक्स निर्माण की परमिशन एक व्यक्ति को कुछ भूमि के लिए दी गई है। वहीं कॉम्प्लेक्स की ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा है, 19 मीटर निर्माणाधीन होकर निर्माण जारी है। वहीं मौके पर उक्त गली और कुएं की बात को लेकर शिकायत पर दस्तावेज मांगे गए। इस मामले में कॉम्प्लेक्स कर्ता दिलीप अग्रवाल को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को हटाने की जन चर्चा के बीच राजनीतिक सोर्स भी चले, जो अधिकारियों के तबादले के साथ नजूल नपा तहसील और SDM कार्यालय में प्रभावी कार्रवाई लंबित रही है। मामला है जहां पर वर्धमान कॉलोनी पार्क को लेकर रहवासियों की जीत, कलेक्टर ने आरक्षित पार्क के आदेश दिए थे परंतु निर्माण जारी है। सन 2014 से विवादित वर्धमान कॉलोनी में पार्क की भूमि पर चल रहे कॉलोनी वासियों की लड़ाई के बाद वर्धमान में पदस्थ SDM अंकिता जैन ने काटी गई कॉलोनी में मौके पर निवासियों की रजिस्ट्री और कॉलोनाइजर के दस्तावेज के बाद जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के बाद वर्ष 2021 में तत्कालीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश से पार्क की 44,000 स्क्वायर फीट भूमि को आरक्षित पार्क भूमि मानकर जमीन के विक्रय, नामांतरण और रजिस्ट्री आदि पर रोक लगाने के बाद कॉलोनी नाइजर का निर्माण कर कब्जा कर रहा है। इस पर कॉलोनी वासियों को जिला प्रशासन से कहना है कि आदेश पर कब्जा दिलवाया जाए तब न्याय होगा। वहीं बगैर लाइसेंस के 18 बीघा में कॉलोनी काटे जाने में की गई रजिस्ट्रियों के अनुसार धोखाधड़ी किए जाने की जन चर्चा व्याप्त है। सर, जैसे आपने देखा होगा नगर पालिका के अंतर्गत कॉलोनियां जो अवैध कॉम्प्लेक्स है उनको नोटिस दिया गया था, तो 8 दिन कल्टीमेटम कलेक्टर द्वारा दिया गया था, तो उन पे आज दिनांक तक कार्रवाई क्यों नहीं?
किस मैटर पे दिया था मैंने नोटिस? अनुराधा गली में जो दिलीप मामा अग्रवाल जी का कॉम्प्लेक्स है वो अवैध निर्माण में 600 स्क्वायर फीट की परमिशन थी हम भी उसकी, फिर कलेक्टर साहब के द्वारा पुरुषोत्तम कुमार जी के उनका अवैध घोषित भी कर दिया गया था उसको, आपकी ओर से और पुरुषोत्तम कुमार जी की डॉक्टर कलेक्टर साहब की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था नोटिस के जरिए कि 8 दिन में इस काम को अवैध को निर्माण को रोका जाए या इसको तोड़ा जाए, नहीं तो आगे जाके क्या होगा कि अगर नगर पालिका या प्रशासन तोड़ेगा तो उसको हर्जा खर्चा उनको ही देना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में वो कॉम्प्लेक्स तो और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, निर्माण लगातार चालू है। नहीं उस समय जब से मैं आऊँ तब से तो उनको अभी नोटिस एक बार दिया था हटाने का, उस समय कुछ हमने नोटिस भी दिए थे, कुछ कार्रवाई भी की थी। लेकिन कार्रवाई क्या की थी सर? आज दिन कोई कार्रवाई नहीं। नहीं नोटिस तो उस समय दिए थे, मेरे आने के पहले भी दिए थे नोटिस तो, और आपके सामने भी दिए थे? नहीं मेरे सामने पुरुषोत्तम कुमार जी, हाँ मेरे सामने एक बार नोटिस दिए थे हटाने का जी, तो उनने कुछ जवाब दिए थे, उसके बाद फिर चुनाव आ गए थे उसमें कार्रवाई रोक दी थी। अब जैसा प्रशासन आदेश दे, जब 8 दिन का अल्टीमेटम था तो 8 दिन तक काफ़ी समय हो गया, अभी तो कार्रवाई होना चाहिए। हाँ लेकिन अभी तो कोरोना काल आ गया, सभी कार्रवाई रुक गई, अब जैसा प्रशासन आदेश देगा वैसा करेंगे। प्रशासन की ओर से तो आदेश ही था नगर पालिका को? नहीं ऐसा आदेश नहीं था, 8 दिन के अंदर का बिल्कुल आदेश था ना, नोटिस में क्लियर लिखा, हाँ लिखा हुआ था, लेकिन उस समय नहीं जा पाए थे। कमियां हैं उनकी व्यक्तिगत कामों में, वो हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से सुधार करेंगे उसमें। सर एक चीज और देखने को मिल रही है कि गुना शहर में अधिकतर अतिक्रमण अवैध निर्माण कॉम्प्लेक्सों को निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन उनको अतिक्रमण कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, ये आखिर सबसे बड़ा सवाल है सर, क्यों नहीं की जाती है? ध्यान में लाया उसको, देखते हैं कैसे। सर गुना में सर जैसे अभी बारिश को लेकर रेड अलर्ट सब